राम राम जी, वेलकम बैक टू आरुष कार एसेसरीज। आप देख रहे हैं अपना चैनल आरुष कार एसेसरीज। डैम्पिंग, डोर डैम्पिंग एंड बोनट डैम्पिंग थार में कर रहे हैं काफी ज्यादा, वेटिंग में भी बहुत ज्यादा है, पहले इतनी नहीं थी, बट अब जब से 4x2 आई है उसके बाद तो अराउंड 1 ईयर वेटिंग हो गई है। प्रीमियम अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट देके भी चाहते हो, क्योंकि नॉर्मली चल रहा है सभी गाड़ियों में वेटिंग चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो हमें मिल जाती है शोरूम से, बट करंटली अभी एक कस्टमर आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे भैया 50,000 तक भी अगर हम प्रीमियम दे सकते हैं, अगर कोई आप गाड़ी अरेंज करा दो। एक्चुअली उनका बर्थडे था नेक्स्ट मंथ मार्च में, तो कह रहे थे कि मार्च में अरेंज करवा दीजिए, 2-3 जगह शोरूम में हमने बात भी की, बट वो कह रहे कि गाड़ी है ही नहीं, जो फर्स्ट लॉट आया था वही हमने डिलीवर दिया, उसके बाद अभी आया नहीं है। भैया कह ही नहीं सकते, जब गाड़ी आएगी तब देंगे, काफ़ी वेटिंग में चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बुकिंग भी आ चुकी है। तो थार में हमने जो वर्क किया है 4x4 में किया है, बट थार की बात चल रही है तो बता रहे हैं, थार में डैम्पिंग की है प्रॉपर, नीड फॉर स्पीड की डैम्पिंग कर रहे हैं प्रॉपर, 2.2 होती है ये। आपको सीट का साइज और क्वालिटी भी चेक करवाते हैं, ये देखिए ये इसका साइज होता है नीड फॉर स्पीड का, बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रॉपर 2.2 है, मार्केट में काफी है बोलते 2.2 है, बट 1.8 होती है, क्वालिटी काफी डाउन होती है उनकी। एक्चुअली कुछ टाइम बाद वो खुद से ही उनका जो पेस्टिंग होती है निकलने लग जाती है, तो वर्क कभी आपको करके दिखाएंगे। साथ में एक स्पेशली जो वीडियो बनाई जा रही है वो ये दिखाने के लिए कराई जा रही है कि काफी क्या करते हैं कम कॉस्टिंग के लिए, नॉलेज भी नहीं होती काफी शॉप्स कीपर्स को, कम कॉस्ट के लिए वो बताते थे भैया बोनट डैम्पिंग करवा लीजिए, तो इसी शीट्स को बोनट में भी लगा देते हैं, बट बोनट के लिए डैम्पिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होती है, हीट होती है उसके बाद ये चल नहीं पाती है, सक्सेस नहीं होती, उतर जाती है कुछ टाइम बाद। बोनट डैम्पिंग के लिए प्रॉपर नीड फॉर स्पीड की आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए नीड फॉर स्पीड की है, प्रॉपर बोनट डैम्पिंग है ये, सिंगल सिंगल गाड़ी के लिए पैकिंग आती है बोनट डैम्पिंग। अनबॉक्सिंग करते हैं, ये देखिए ये प्रॉपर एक गाड़ी की होती है, ये यूनिवर्सल साइज होता है, हर गाड़ी में प्रॉपर लग जाती है। इसकी थिकनेस भी दिखाते हैं, ये देखिए प्रॉपर हीट प्रूफ होती है, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये नॉर्मल जो होती है उसको और आपको दोनों को कंपेयर करके हम दिखाते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल डैम्पिंग होती है, देखिए इसकी थिकनेस देखिए और इसकी देखिए, बोनट डैम्पिंग प्रॉपर ही करवाएं, नॉर्मल डैम्पिंग को ना लगवाएं, क्योंकि ये नॉइज जो इंजन का होता है उसको भी इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है, जो ये होती है प्रॉपर आपका नॉइज भी कंट्रोल करती है, एक्स्ट्रा जो इंजन की साउंड आती है स्पेशली जो डीजल गाड़ी है उनमें ये प्रॉब्लम आती है साउंड की, पेट्रोल गाड़ियाँ साइलेंट होती है, तो बोनट डैम्पिंग प्रॉपर ही कराएं। थार में करते हैं आपको दिखाते हैं, बोनट डैम्पिंग करेंगे थार में, ये देख रहे हैं अभी ये बोनट डैम्पिंग है, प्रॉपर शीट आती है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो नॉर्मल जो डोर डैम्पिंग होती है उसी को बोनट में लगा देते हैं, बट वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं रहता है, गर्म होने के बाद हीट होने के बाद वो उतरने लग जाती है, ये प्रॉपर आती है, ये हीट प्रूफ होती है ये शीट, ये प्रॉपर डैम्पिंग बोनट डैम्पिंग आती है, ये अभी आपको लगा के दिखाते हैं। डोर्स के लिए डैम्पिंग है, नीड फॉर स्पीड की ही डोर डैम्पिंग भी लगा रहे हैं, डबल डैम्पिंग लगाएंगे, आप डिक्की में देख रहे हैं ये अंदर अंदर की तरफ से लगा चुके हैं, अब एक ऊपर की तरफ से लगाएंगे, से एक लेयर आपके अंदर से आती है डबल डैम्पिंग में और एक लेयर ऊपर से आती है, जो प्रॉपर प्रोसेस होता है वो डबल डैम्पिंग में ही होता है। साइड में भी किया है, अभी फिट कर दिए साइड का, ये आर्मरेस्ट वगैरह हटा के साइड से भी इसमें क्या है कि आप इसके जो ये कपड़ा दे रखा है इसके अंदर की तरफ से डैम्पिंग की है, और डोर का भी दिखाते हैं आपको, ये सिंगल लेयर हो चुका है कंप्लीट, जो अंदर की साइड से है ये वाला कंप्लीट हो चुका है डोर्स में, सेकंड जो लेयर है वो लगाने के लिए भी प्रोसेस चल रहा है, जो ऊपर से सेकंड लेयर लगाएंगे, ये ऐसे सीधी सीधी लेयर्स कट हो गए, जो स्पेस होता है उसमें फिल हो गए, पूरी लंबी हो जाती है लग जाती है,
ये डबल डैम्पिंग होगी, एक अंदर की आपको दिखाई दी थी, ये प्रॉपर हमने एक आउटसाइड जो डबल डैम्पिंग कहते हैं, एक अंदर से लेयर हो जाती है, एक बाहर की तरफ से लेयर हो जाती है, ये आउटर साइड लेयर हो गई है डैम्पिंग। सेम ऐसे ही डोर में भी अंदर की तरफ से आपसे दिखाई दी थी, ये आउटसाइड से होगी डबल लेयर में जो कहते हैं डबल लेयर, ये होती है डबल लेयर, एक अंदर से प्रॉपर लेयर हो जाती है, एक आउटसाइड जो होती है, जो प्रॉपर वर्क जो डैम्पिंग का अगर आप कहेंगे कि आप किस तरीके से डैम्पिंग लगानी चाहिए तो डबल ही लगाना चाहिए, एक लेयर अंदर और एक बाहर की तरफ है, जो बाहर का साउंड है म्यूजिक का अगर आप कहते हो या रोड जो साउंड होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता इससे। ये लग जाती है बोनट डैम्पिंग प्रॉपर, देंगे कॉर्नर टू कॉर्नर लगी होती है, हीट और आपकी नॉइज जो होती है अंदर इंजन की काफी कम हो जाती है, 80% तक आपकी कम हो जाती है।